to India. Yeah. हम आए हैं गॉल्फोर्ड और ये इट्स अ पीस ऑफ यूरोप इन श्रीलंका. द पोर्चुगीज एक्चुअली फाउंडेड दिस आइलैंड एंड देन द डच टुक ओवर और डच से फिर ब्रिटिश ने ले लिया था. सबका आर्किटेक्चर, जिस तरह के डिजाइंस हैं, सब कुछ वो देखने को मिलेगा. एंड दिस हैव वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑल्सो. आई हैव फोर्ड ऑल फॉर माई सेल्फ, आगे पीछे कोई नहीं है. और मैं ये सोच रही थी मैं आज इतना लेट उठी हूँ, मैं क्या करूंगी जाके. मंडे है, कल संडे था तो सब बंद था. आज तो ज्यादा ही है, लोग बाहर निकले हुए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत खाली है. और अगर आप वैसे ही नॉर्मल टाइम पे आते हैं तो इतना रश होता है कि आपको ना कोई पिक्चर खींचने को मिलता है, ना कुछ भी नहीं मिलता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतना रश होता है सनसेट. जी तो अब मैं फोर्ट पे जा रही हूँ. लेट्स सी के क्या व्यू आता है. ये सब दिखने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन इस पे हाइक करना, ये चढ़ना, ये बहुत मुश्किल है यार, खास करके इतनी गर्मी में तो बहुत ही ज्यादा. दिस इज द बीच. रॉक इज द फ्लैग रॉक. और यहाँ पे एक जंपिंग पॉइंट भी, आई डोंट नो, वहाँ से लोग जंप करते हैं. दैट्स ऑल्सो क्वाइट फेमस. लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर. फोर्ट तो मुझे देखना ही था, लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है यहाँ का लाइट हाउस. तो लाइट हाउस भी देखना है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो लग रही है वो यहाँ है, स्ट्रीट्स यहाँ की एक्सप्लोर करना. तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड वहाँ जाने में हूँ. वील टेक अ क्विक व्यू ऑफ द फोर्ट एंड देन वील गो टू लाइट हाउस और फिर मैं टाउन एक्सप्लोर करूँगी. जब दिन में इस तरह से इतना अच्छा व्यू आता है तो ये सनसेट पॉइंट है, तो सनसेट पे ये बहुत ही खूबसूरत होता होगा. यस, वी फाइनली मेड इट टू द फेमस लाइट हाउस ऑफ गॉड. दिस इज द लाइट हाउस. और लाइट हाउस के बिल्कुल सामने there is this Jamia Mosque. I am so inspired by the architecture. यहाँ आने से पहले मैंने इस जगह के बारे में यही सुना था कि यहाँ की सारी खूबसूरती, यहाँ के इंस्टाग्रामेबल कैफेज, यहाँ होने वाली टूरिस्टी एक्टिविटीज़
और इस टाउन की हसल बसल है। मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने इस जगह को एक्सप्लोर किया उस वक्त यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कोविड और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये सब बंद था। तब मैंने देखा यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का कल्चर, यहाँ का आर्ट्स, जो कि मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा था और इतना खूबसूरत था कि मैं लफ्ज में बयान कर ही नहीं सकती। चाहे वो यहाँ के खूबसूरत जानवर हों या यहाँ के प्यारे बच्चे, सब कुछ इस कदर खूबसूरत था कि क्या ही बताऊँ। श्रीलंका एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि शायद ही कहीं देखने को मिले, चाहे वो डाइवर्सिटी मौसम में हो या मज़हब में। जैसे कि यहाँ ही देख लें, जहाँ एक जगह गणपति जी बैठे दिखे, वहीं इससे थोड़ा आगे ये डच रिफॉर्म चर्च दिखा। इतने अच्छे से रिस्टोर किया हुआ था जैसे लग रहा हो कि आज का ही हो। फिर उससे आगे ये इस्लामिक मदरसा दिखा और यहीं से थोड़ा आगे ये जामिया मस्जिद, जिसकी अजान बहुत ही खूबसूरत थी। और मेरी नज़र से देखा जाए तो श्रीलंका की असल खूबसूरती यही है।